समाजवादी सेकुलर मोर्चा की महानगर कार्यकारिणी का महानगर सचिव मनोनीत किया। महानगर अध्यक्ष छोटन भाई ने दिया प्रमाण पत्र। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में भी अपने अपने क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ती नजर आ रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बनी नई पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा भी अपनी कोई कमी चुनाव के मद्देनजर नहीं छोड़ती दिखाई दे रही। इसी कड़ी में समाजवादी सेकुलर मोर्चा में नए सदस्य मनोनीत बड़ी तेजी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर किए जा रहे हैं। ऐसे में आज एक बैठक का आयोजन करते हुए महानगर अध्यक्ष छोटन भाई ने महानगर सचिव पद पर नदीम अली निवासी मोहल्ला हुसैनी को प्रमाण पत्र देकर मनोनीत किया। साथ ही पार्टी के साथ पूरे दमखम के साथ कार्य में जुटने को भी कहा। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये शिवपाल जी का संगठन नया बनाया मोर्चा, इस संदर्भ में रखी गई है, जिसके महानगर सचिव हमको बनाया गया है अजीम भाई और छुट्टन भाई की तरफ से। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अली है। महानगर अध्यक्ष बनाए गए आप? सचिव बने हुए, महानगर सचिव बनाए। पार्टी के नए पदाधिकारी को शपथ दिलाई है, किन्हें कौन सा पद दिया गया? माननीय शिवपाल सिंह यादव के निर्देश अनुसार आज जिला अध्यक्ष अजीम भाई के आदेश पर माननीय छोटन भाई जी ने नदीम अली मोहल्ला हुसैन को महानगर सचिव पर मनोनीत किया है। और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नदीम भाई हमारे पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इंडिया को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज किस तरीके का यहाँ कार्यक्रम रखा? हमारे नदीम भाई को जिलाध्यक्ष ने नगर सचिव बनाया है और नदीम भाई अपने फिरोजाबाद में व्यापारी हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत मेहनत करेंगे हमारी सेकुलर मोर्चा के लिए, प्रगतिशील सेकुलर मोर्चा के लिए बहुत मेहनत करेंगे और पार्टी को अच्छे उस पर ले जाएंगे। और ये और हमारा बहुत अच्छा है, हमारे अध्यक्ष का निर्णय है कि नदीम भाई को नगर सचिव बनाया।